नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। खबर है यूपी से सोनभद्र की। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बनी पुरानी पुलिया दे रही है मौत को दावत, कभी भी टूट कर गिर सकती है। जी हां, आपको बता दें कि जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में भी मार्ट के पास मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया जर्जर हालत में दे रही है मौत को दावत। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग जो NH 39 से एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली रोड आज इस बदहाली की हालत में है कि जिसपे गाड़ी से तो क्या पैदल भी चलना दुश्वार हो गया है। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। फिर भी शासन प्रशासन के आंख कान बंद है, जबकि इसी रास्ते से हर रोज सांसद विधायक DM SDM जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके यहाँ के स्थानीय छोटे बड़े नेता आए दिन ज्ञापन देकर फोटो खिंचवाते रहते थे और प्रदर्शन भी करते रहते थे, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी इसको देखते हुए आज रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष निशा सिंह अपने फंड से गड्ढों को भरने का काम कर रही है, जिससे नगर में रह रहे आम जनमानस को थोड़ी सी राहत मिल सके। निशा सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि PWD द्वारा काम ना किए जाने की वजह से यह मुझे करना पड़ रहा है। आइए अब उन राहगीरों को सुनाते हैं जो इस रोड पर चलने को मजबूर है। उसके बाद नगर अध्यक्ष निशा सिंह और रेणुकूट नगर पंचायत अधिशासी अभियंता अमित सिंह को ये मैं पहले बता दूं आपको कि ये सोनभद्र से गुजरकर ये MP तक जाता है। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 39 है और इसकी हालत मैं आपको दिखा दूंगा रोड की, तो आपको सहम जाएंगे कि आप देखेंगे कि किस परिस्थितियों में लोग यहाँ पे चलते हैं, गाड़ी चलते हैं, पैदल चलते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। एक यहाँ पे पुल है जो एक राज्य को दूसरे राज्य को जोड़ती है, ये अगर टूट जाए तो इधर जाना एकदम बंद हो जाएगा। मैं ये पुल को दिखाना चाहूंगा कि ये पुल इतना जर्जर हो चुकी है कि गाड़ी है, ये छोटी छोटी बड़ी गाड़ियां चलती रहती हैं, देखिए कभी भी ये टूट सकती है। इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, प्रशासन का कोई तबका कोई ध्यान नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी होती है PWD की या जो सरकारें हैं, जो हमारे सांसद महोदय विधायक जी हैं, वो इसी रास्ते से आना जाना लगा रहता है। यहाँ तक कि DM SDM का रोज आना जाना लगा रहता है, कभी ध्यान नहीं देते हैं कि कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। आइए मैं दिखाऊंगा कि इस रोड की क्या हालत है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वहाँ पास में चल क्या हुआ गाड़ी में आपके? अरे रोड का इतना दुर्दशा हो गया भाई साहब, रोड के चलते आदमी गाड़ी का अगला बार बार खराब होते जा रहा है। और ये रोड का जिस स्थिति जो अभी चल रहा है यहाँ से लेके पूरा अगला दुधी मार्ग, हम लोग दुधी से आते हैं और जहाँ भी रोड देखिए इतना बेकार हो गया है कि बार बार हम लोग गिर जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो जा रहा है। अब यही वजह है कि रोड अगर सही नहीं होता है तो बताइए कि ये तो पब्लिक एकदम बिल्कुल परेशान रहेगा। बहुत दिक्कत है। नाम तो मेरा गुड्डू है। सर, आपको इस रास्ते से गुजरने में कितनी परेशानी होती है? ये परेशानी की बात करें तो आज से नहीं, करीब कई सालों से परेशानी हो ही रही है। ये लोग थोड़ी थोड़ी रोडें बनाते हैं, फिर उसके बाद 10-15 दिन या एक सीज़न चलेगा वो, फिर टूट जाता है। नॉर्मली मरम्मत टाइप की ये लोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल डाल के काम हो जाता है, फिर वो बरसात आती है फिर ख़त्म हो जाती है। ये अभी ये कितने दिनों से टूटी पड़ी हुई, आपको क्या लग रहा है? ये करीब हो गया होगा मेरे हिसाब से, नेक्स्ट सीज़न में ये बनी हुई थी और ये नेक्स्ट बरसात आई है आपका स्टार्ट हो गया, टूट गया पूरा। अभी तक कोई काम अभी नहीं, कोई काम नहीं है। यहाँ से लेके पूरा अनपरा तक यही हाल है पूरा। क्या नाम है सर आपका? विजय दुबे। सर, ये आप अभी किस चीज़ का पूजा किए हैं? इस रोड पे जगह काफ़ी गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों से यात्रियों को आवागमन में काफ़ी असुविधाएँ होती हैं। वही गड्ढा जगह जगह जो गड्ढे हैं सभी गड्ढों का भरने का प्रयास नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है। सर, ये आप क्यों कर रहे हैं, नगर पंचायत द्वारा क्यों काम किया जा रहा है? क्योंकि PWD का काम है, ये PWD के द्वारा अभी तक इससे कुछ किया नहीं गया है और गड्ढों से यहाँ की जनता को काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं, इसलिए नगर पंचायत आगे बढ़ के अपना काम कर रही है। ठीक है। मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं पूरे रेणुकूट में बने हुए हैं, उसके वो लेके आपने किसको किसको अवगत कराया अभी तक? हमने SDM साहब को अवगत कराया और यहाँ के शासन प्रशासन जो इस रास्ते से इस रोड से रात दिन गुजर रहे हैं उन लोगों को अवगत कराया। DM साहब तक संदेश पहुँचाया गया पर PW के नाते होने के कारण कोई कार्य वही नहीं रहा। वो ना करने की वजह से आप काम करवा रही हैं? हाँ,
अपने जनता के लिए, जनता के लिए यहाँ जाने आने में यह घटना दुर्घटना आए दिन हो रही है इस तथ्य के द्वारा, इसलिए हम लोगों ने नगर पंचायत से इस तथ्य का मुक्त किया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। आज रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष निशा सिंह ने झरना बस्ती वार्ड नंबर 9 में 4 सीटर टॉयलेट का भी अपने कर कमलों से किया उद्घाटन। रेणुकूट सोनभद्र से शिव नरेश की खास रिपोर्ट।